हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम महीने भर के बाद ऑलमोस्ट मेकअप हॉल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम पर्पल। तो हमारे पास एक ह्यूज पर्पल हॉल है, इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मंगवाए हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए मंगवाए हैं, आप लोगों के लिए स्वॉच करने के लिए मंगवाए हैं। सो अगर आप टीनेजर हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो या प्रोफेशनल हो या किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, आपको बहुत ही क्वर्की और बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड आगे बढ़ने से पहले, सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो बहुत गलत किया है। रेड सब्सक्राइब बटन को नीचे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करना, आपका ढेर सारा प्यार मोटिवेशन हमें मिलता है। और लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वर्चुअल हग्स आप लोगों के लिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना प्रियंका घोष डॉट पीजी पे। लेट्स स्टार्ट विद द गाइस। मैंने स्टेक वॉकी की ढेर सारी चीजें मंगाई है। आप लोगों ने बहुत बार मुझे बोला है कि प्रियंका दी कुछ अफोर्डेबल मेकअप दिखा दो, स्किन केयर के ऊपर वीडियोस बनाते हो, प्रियंका दी कुछ अफोर्डेबल मेकअप भी दिखा दो हमें। तो हम आज बहुत सारा अफोर्डेबल मेकअप दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट स्टेक वॉकी ने इस रेंज में इतनी सारी चीजें लॉन्च की है इनके नए पैकेजिंग में, आई जस्ट लव 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 देम। मैंने इससे पहले इनकी मिनी लिपस्टिक्स के बारे में परचेस किया था एंड यू गाइज लव्ड इट टू। सो आज मेरे पास स्टेक वॉकी की नई आई पेंसिल, आईब्रो पेंसिल्स, लिप पेंसिल, आई शैडो स्टिक्स और ढेर सारी चीजें हैं मेरे बॉक्स के अंदर। और मैं आपको एक वन बाय वन सब कुछ दिखाने वाली हूँ। सब कुछ अफोर्डेबल कैटेगरी में है, बहुत क्वर्की लुक में है। पैकेजिंग इज bombdigity.com और यहाँ पे जो है सारे पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स है विच आई रियली रियली लव। सो वीगन प्रोडक्ट्स भी है। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे हमारे पास लिप पेंसिल है। सो स्टेक वॉकी ने लॉन्च की है लव बाइटिंग लिप पेंसिल। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड ये मेरे पास 5 शेड्स में है। सो फटाफट इनकी स्वॉचेस देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसके प्राइसेस बता देती हूँ। यहाँ पे इसका प्राइस है 259 रुपीज, 2.9 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी है। सेल तो पर्पल पे चलती रहती है हमेशा, सो आपको सेल से रिलेटेड तो सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल तो आपको हमेशा मिलेगी। ये कुछ इनर पैकेजिंग है। मैंने अभी अपने लिप्स पे हनी पैक कलर पहन रखा है। सारे प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट शेड एंड द शेड नेम इज अडल्ट रोमांस 10। इस तरह की पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट मिलता है। चलो इसको स्वॉच कर लेते हैं फटाफट। तो दिस इज अडल्ट रोमांस 10। ये जो लिप पेंसिल्स है गाइस काफी ज्यादा क्रीमी है, बिल्कुल मैट नहीं है। तो जिनको भी क्रीमी लिपस्टिक्स पसंद है, दीज आर फॉर यू, दीज आर अफोर्डेबल एज वेल। क्रेयॉन्स हमेशा मोस्टली 500 के ऊपर होते हैं। सेकंड जो शेड है दैट इज स्वीट टीज एंड दिस इज द शेड स्वीट टीज। मेरे को इस पूरी रेंज की पैकेजिंग बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई वुड से कि ये क्रीमी है, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये मैट है। यहाँ कहीं भी इन्होंने क्लेम नहीं किया है कि दिस इज मैट। नेक्स्ट अप हम तीसरा शेड देख लेते हैं मेरे पास जो है, दैट इज वेडिंग नाइट, विच इज अ ब्यूटिफुल मरून शेड। सो दिस इज द थर्ड शेड गाइज, वेडिंग नाइट, ब्यूटिफुल वाइन प्लम शेड है ये। एंड हमारे हॉल वीडियो में हमारा फोर्थ शेड कौन सा है फटाफट वो भी देख लेते हैं। तो अगला जो लिपस्टिक पेंसिल है गाइज, इतने छोटे से पैकेजिंग में इतना प्यारा है ना, मतलब उफ, आप इसको कहीं भी अपने पॉकेट में डाल के ले जाओ, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड बहुत मतलब इजी टू कैरी प्रोडक्ट है, आपको बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हो इसको। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट शेड, बेड टाइम फ्लर्ट, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल शेड। की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज हनी पैक 11। ये शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये एक न्यूड शेड है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, मतलब आई थिंक टीनेजर्स के लिए या कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत इजी है इसको कैरी करना। दिस इज हनी पैक, ब्यूटिफुल न्यूड शेड। पीपल हु लव न्यूड लिपस्टिक्स एंड लव क्रीमी लिपस्टिक, स्पेशली फॉर विंटर्स गाइज, बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई हो जाती है। आई एम समवन हु डज नॉट लाइक लिक्विड लिपस्टिक्स थ्रू आउट द ईयर, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है अगर वो बहुत ड्राइंग है तो। आई एम समवन हु लव्स लिपस्टिक विच कीप माई लिप्स मॉइस्ट एंड स्पेशली इन विंटर्स आपको इस लिपस्टिक के साथ किसी लिप बाम की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, आप इसको ऑन इट्स ओन लगा सकते हैं एंड लिप बाम की नीड बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगी। नेक्स्ट गाइज स्टेक वॉकी ने लॉन्च की है आईब्रो पेंसिल्स। यस, इसका नाम है बॉर्न टू बी वाइल्ड आईब्रो पेंसिल। दिस इज द पैकेजिंग, बहुत ही क्वर्की एंड क्यूट पैकेजिंग है। सो मेरे तो दिल में लाइक
बिल्कुल गिटार बजने लगती है ऐसी पैकेजिंग देखकर. मतलब आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग. हम देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है. 1.2 ग्राम का प्राइस है 215, विच इज डिसेंट क्योंकि आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे जब आप इसको खरीदोगे. ये मेरे पास दो शेड्स में है एंड मैं नीचे लिंक कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि वेबसाइट में और कितने शेड्स अवेलेबल है. दिस इज द फर्स्ट शेड, इट्स मेड इन इटली गाइज, फियर्स ब्राउन. सो ये हमारा पहला शेड है, लेट्स वॉच इट एंड सी. सो ये आईब्रो पेंसिल जो है इट्स हार्ड. ऐसा नहीं है कि आप बहुत क्रीमी है लगाओगे तो फैलने लगेगा आपके आईब्रोज पे. लाइक दिस इज द फर्स्ट शेड, यू कैन सी दिस वन, फियर्स ब्राउन. एंड नेक्स्ट आप सेकेंड शेड को भी स्वॉच आउट कर लेते हैं हम लोग, विच इज फेरल ब्लैक. सो ये ब्लैक के ऊपर है आई गेस, मोस्टली ये ग्रेश ब्लैक होगा जहां तक मुझे अंदाजा है. सो या आई वॉज राइट. ये अंदर से भी आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग लुक्स लाइक इट्स अ ग्रेश ब्राउन. लेट्स फाइंड अ प्लेस टू स्वॉच दिस वन. हाँ तो दिस इज गुड, यू कैन सी ये थोड़ा ब्राउन मतलब ग्रेश टोन में है. तो पीपल लाइक मी हु हैव ब्लैक आईब्रोज कैन गो फॉर दिस वन. दिस इज नॉट वेरी क्रीमी और मुझे अपने आईब्रो प्रोडक्ट्स क्रीमी पसंद नहीं है क्योंकि वो स्मज आउट करके फैलने लगते हैं. सो आई थिंक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इज क्वाइट डिसेंट फॉर द प्राइस. इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस यू कैन गो फॉर इट. ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, वट एवर शेड यू वॉन्ट टू पिक यू कैन गो एंड चेक इट आउट. नीचे लिंक्स है सारे प्रोडक्ट्स का एंड पर्पल पे सेल तो चलती ही रहती है. नेक्स्ट अप गाइस, आई वॉज प्रिटी मच एक्साइटेड फॉर दिस लॉन्च क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है आई शेडो पेंसिल्स. यस, आई शेडो पेंसिल्स फ्रॉम स्टेक वॉकी. जब मैंने कलर्स देखे ना आई वॉज सो हैप्पी. इनमें से एक कलर मैंने अपनी आई पे भी लगा भी रखा है एज एन आई शेडो पेंसिल, लाइक एन आई लाइनर. आई हैव नॉट अप्लाइड इट एज एन आई शेडो, आई हैव अप्लाइड एज एन लाइक एन आई लाइनर. तो मैं आपको दिखाती हूँ अब ये. तो ये जो स्टिक्स है ये उन गर्ल्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा आई शेडो पैलेट लेके और ब्रश लेके चार पांच कलर्स के साथ नहीं खेलना होता, जिनको होता है कि भाई एक कलर लो लगाओ मिक्स करो ब्लेंड करो एंड यू गेट डन फॉर द डे. एंड मुझे अब अपनी टी शर्ट ऊपर कर लेनी चाहिए बिकॉज वी हैव सो मच टू स्वॉच. तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑल आईज ऑन यू आई शेडो पेंसिल. इसकी प्राइस है 235 फॉर 1.5 ग्राम. आई थिंक इट्स अ लिटिल प्राइजी बट प्रोडक्ट इज नाइस. ऑल आईज ऑन यू. एंड फर्स्ट जो शेड हमारे पास जो है यहाँ पे दैट इज एट द सोयरे 11. चलो खोलते हैं. मैंने सारे शेड्स एक बार स्वॉच करके देखे थे, कुछ अप्लाई करके भी देखे हैं. सो आई विल टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट ब्रीफली. ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है. सो इट्स क्वाइट स्मॉल, वेरी मतलब स्टर्डी प्लस ईजी टू कैरी पैकेजिंग है इसकी. आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. इट्स मेड इन इटली. इस जो शेड है फर्स्ट वाला इट्स एट द सोयर 11. Now, this is the first shade, guys. It's a very light pink, glittery kind of a shade. Second shade I have is one of my favorites, and I don't think with मतलब एक nonsense bad person है जो हमारे घर के बाहर आके bullet में एकदम भट भट पता नहीं क्या है उसकी bum वाली आवाज निकालता है silencer से. It irritates me so much. और मेरे घर में construction, मेरे घर के आसपास बहुत construction चल रहा है तो बहुत noise होती है. मुश्किल से मैंने अभी time निकाला है जब कुछ नहीं हो रहा है then this bullet guy. So this is my favorite color. I would say this is at the movie 2 जो कि मैंने अभी अपनी lids पे as an eyeliner pencil apply कर रखा है. If you can see it's a beautiful blue. So this is the second shade guys at the movie. Such a cute ink blue kind of a color. मेरे को नहीं पता इस कलर को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं बट मैं जब बचपन में ब्लू में व्हाइट मिलाती थी तो ये कुछ कलर निकल के आता था. आई रियली लव दिस शेड एंड आई एम सो एक्साइटेड टू क्रिएट सो मेनी लुक्स. अगर आप इसमें से किसी भी प्रोडक्ट का यू नो मुझे लुक क्रिएट करते हुए देखना चाहते हो लेट मी नो, मैं इंस्टाग्राम में क्रिएट करूंगी. नेक्स्ट अप गाइज थर्ड वाला शेड है एट द प्रॉम नाइट 4. तो चलो इसको स्वॉच कर लेते हैं. थर्ड शेड हमारा एंड दिस हर एक जो प्रोडक्ट है वो नीचे ऐसे कलर कोडेड है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. आई थिंक इट्स अ ब्रॉन्ज काइंड ऑफ अ शेड. यस यू आर राइट. तो ये हमारी ब्रॉन्जी शेड है. इट्स एट द प्रॉम नाइट. एंड नेक्स्ट अप गाइस वी हैव द नेक्स्ट शेड विच इज एट द कॉन्सर्ट. चलो इसको भी स्वॉच करके देख लेते. आई थिंक इट्स अ गोल्डन वन जहां तक मुझे याद है. ओके दिस इज एट द कॉन्सर्ट and it's a golden shade guys. It's a golden shade. I don't know how much the camera would pick but it's a shimmery golden shade. Oof, mere ghar pe abhi sara saman itna phaila hua hai idhar udhar.
माई स्टूडियो इज अंडर कम्प्लीट मेस. मैं 2-3 महीने में उसको कुछ करने का सोच रही हूँ. ठीक, फॉर नाउ प्लीज बियर विथ मी फॉर दिस विथ दिस सेटअप जिसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं. इट्स बोरिंग आई नो, बट या थोड़ा सा बियर अप कर लेना. सो दिस इज द नेक्स्ट शेड. चलो भाई अब लास्ट शेड की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज एट द रीयूनियन 12. वेरी क्यूट नेम्स. चलो, दिस इज अ ब्यूटिफुल यू नो टर्कोइज ब्लू काइंड ऑफ अ कलर एंड दिस इज द शेड. यू कैन सी इट्स कलर कोडेड एट द बॉटम एंड इसको स्वॉच कर लेते हैं. माई हैंड्स, आई डोंट नो, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू नो रिमूव ऑल दिस. सो दिस इज द लास्ट शेड गाइज. इन पे किसी पे भी आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए होगा, You can let me know on Instagram. Next up, guys, हमने 3 range already review कर दिए हैं. अब हमारे पास next जो है, that is eye pencil and lip pencil. हम total आज 5 range, you know, swatches करने वाले हैं, first impressions कर रहे हैं. So next जो है, okay, we have the lip pencils from Stay Quirky. This is the outer packaging, बहुत ही beautiful. And यहाँ पे जो है price mentioned है 225 rupees for 1.25 gram product. So फटाफट swatches कर लेते हैं. This is the first shade, BR Hug 11, and this is the inner packaging. I like the lip pencil, it's not very very creamy, it's decent. So this is BR Hug, kind of a maroon shade. Next up we have Hugging 1. Whom are we hugging, by the way? The lip pencil naam bahut cute cute hai, naam bade acche lage mujhe. And this is kind of a pinky kind of a pencil, so let's swatch it as well. Oh god, yeah, it's beautiful. I'm excited to wear this as a lip color as well. इसको lip liner की तरह तो लगा ही सकते हैं, lip color की तरह भी जरूर लगा सकते हैं, I guess. The third shade we have is Fondle 13. चलो, let's watch it. Okay, this is kind of a brown shade, brown maroon shade. तो इसको भी swatch करके देखते हैं. Oh, it's a coffee color. Fondle, ये है Fondle. My swatches are so messy. Like यहाँ से start होते हुए ये कहाँ तक जाएगा, I don't know. Next up, we have the fourth shade, that is Cuddle Up 10. मुझे पहली बार, मैंने कोई पूरा रेंज इतना मंगवा रखा है, and there's so many products in here. So let's see the fourth shade of lip pencil. And this is Cuddle Up. Pink लग रहा है कुछ. Oh, it's a beautiful pink, kind of a baby pink color. This is Cuddle Up Head Kiss, Forehead Kiss, beautiful name. And this is the shade, looks like a wine color. Let's watch it over here. And this is the next color. It's not very very creamy, but it's decent, and the pigmentation is very very nice. The next and the last product we have is this eye pencil, Eye Lure. Iska ye packaging hai, and iski price hai guys 225 rupees for 1.2 gram products. Mere paas ye 5 shades mein hai, so fatafat swatch karna start karte hain. The first shade we are swatching is Lure Me Green, and this is how the inner packaging looks. The packaging is really nice. Like I am really impressed, Stay Quirky. And chalo, yahan is hand pe swatch karte hain taki you know you guys don't get confused. Again, it's not very creamy. It's the shade Lure Me Green, but the pigmentation is really really nice. Zyada creamy bhi hota hai to ye dikkat hoti hai ki products match karta hai. The next shade is Lure Me Brizatium. And this is the purplish kind of an amethyst shade. मैं right hand पे left से swatches कर नहीं पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है, but I hope you guys get the swatches. तो ये second shade है. The third shade we have is a brownish shade, and इसका नाम है Lure Me Brown. Okay, let's see. I love brown kajals. So far I'm loving the colors. This one is more creamier than the last two. This is Lure Me Brown. नेक्स्ट अप गाइज, दिस इज अ हॉल वीडियो, मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती. इट्स Lure Me Purple, एंड आई जस्ट लव दिस शेड. यू हैव टू सी दिस गाइज. मेरे को आज तक किसी भी आई पेंसिल में ये कलर ढूंढ के नहीं मिला है, एंड दिस इज Lure Me Purple. आप बताना कमेंट करके आपका फेवरेट शेड हर रेंज से क्या रहा.
The last shade, again, one of my favorites. It's Lurme Cyan and it's a blue shade. Like, it's a very beautiful cyan shade. And I love this shade as well. थोड़े से ये अनकॉमन से शेड्स होते हैं ना, आई रियली लाइक देम. सो यार गाइस, दीज वर द फाइव पेंसिल्स. तो यहाँ पे इतने सारे स्वॉचेस के साथ दिस वॉज माई पर्पल हॉल. मेरे पास पार्ट टू भी है विच इज कमिंग वेरी वेरी सून. सो बी विथ मी, होल्ड ऑन एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, रेड सब्सक्राइब बटन को नीचे क्लिक करके और घंटा बजा देना. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना. एंड आई विल सी माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.